विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख ने गुरुवार को अपने इस दावे को खारिज कर दिया कि COVID-19 महामारी का अंत करीब है। ये कहते हुए उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि संकट के अंत की घोषणा करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। पिछले हफ्ते टेड्रोस एडनॉम गेब्रियोसिस ने पत्रकारों से कहा था कि दुनिया महामारी को खत्म करने के लिए इतनी बेहतर स्थिति में कभी नहीं थी, अंत करीब है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रविवार को प्रसारित एक साक्षात्कार में ये कहते दिखे कि संयुक्त राज्य में महामारी खत्म हो गई है। इधर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अलग गुरुवार को फिर से मीडिया से बात करते हुए टेड्रोस ने कम उत्साहित होते हुए ये कहा कि अंत को देख सकते हैं का मतलब ये नहीं कि हम अंत में हैं। उन्होंने दोहराया कि महामारी को समाप्त करने के लिए दुनिया अब तक की सबसे अच्छी स्थिति में है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौजूदा समय में साप्ताहिक मौतों की संख्या में गिरावट जारी है, जो संख्या जनवरी 2021 में जो चरम पर थे उसका सिर्फ 10% अब रह गया है। टेड्रोस ने बताया कि दुनिया की 2/3 आबादी को टीका लग गया है, जिसमें 3/4 स्वास्थ्यकर्ता और वृद्ध लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमने 2.5 साल एक लंबी अंधेरी सुरंग में बिताए हैं और अब हम उस सुरंग के अंत में प्रकाश को देखना शुरू कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा, अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, सुरंग में अभी भी अंधेरा है, कई बाधाएं हैं जो हमें परेशान करती हैं अगर हम ध्यान नहीं देते हैं।